हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कच्चे आम की दो मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। ना ये अचार है ना ही ये खटाई है, ये क्या है जानने के लिए आप हमारी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप एंड ट्रिक के साथ इस वीडियो को शेयर किया है। आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे मेरी टिप एंड ट्रिक के साथ, तो पूरे महीने आपकी रेसिपी ख़राब नहीं हो सकती, ये मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। और कच्चा आम आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये आपको लोह से बचाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो मक्खियों ने काफी ज्यादा परेशान कर रखा है, तो अगर आपके पास मक्खी भगाने का कोई तरीका पता हो तो कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आम को छीलेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेट ने मैंने आम कितना लिया है, चलिए आपको बता देते हैं। 400 ग्राम आम लिया है, और यहाँ पे आपको कच्चा आम लेना है, बिल्कुल भी पका नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जो बिल्कुल कच्चा और थोड़ा सा टाइट आम होता है उसका सिलेक्शन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए आम को छील लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखिए तीनों आम को मैंने अच्छे से छीलने के बाद 2 से 3 पानी वॉश कर लिया, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आम है इसके अंदर जाली नहीं पड़ी है, तो अगर आप भी जाली वाला आम लेंगे तो उसमें आपको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि वो जल्दी से कटता नहीं है। और यहाँ पे हम इसके बीज को निकाल देंगे। तो ये जो बीज होता है इसको आप फेंका मत कीजिए, आप इसको सुखा कर इसका पाउडर बना सकते हैं। अगर आपको गैस की बीमारी है तो आपके बहुत ही काम की आती है ये गुठलियाँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और ये हाजमे को भी दुरुस्त रखती है। तो चलिए फटाफट सारे आम को इस तरीके से कट कर लेते हैं लंबा लंबा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब इसमें से थोड़ा आम हम निकाल लेंगे और थोड़े आम के साथ काम करेंगे, उससे हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बराबर भाग में डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे हम ग्रेटर लेंगे, तो ग्रेटर में 3-4 भाग होते हैं, एक सबसे बड़ा वाला होता है और एक होता है सबसे छोटा वाला और एक होता है मीडियम वाला। जो मीडियम वाला होता है उसका इस्तेमाल करके इस तरीके से हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो पहली रेसिपी की तैयारी हो रही है, पहले हम पहली वाली आपके साथ शेयर करेंगे, फिर इसके बाद दूसरी वाली। तो ये देखिए इस तरीके से हमें पतले पतले इसके लच्छे निकालने। तो चलिए निकाल लेते हैं सारे आम को, इस तरीके से ग्रेट कर लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से आम को पूरा अच्छे से ग्रेट कर लिया। आप चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, यहाँ पे मैंने पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। अब इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, ना इसमें घी डालेंगे ना बटर डालेंगे ना ऑयल डालेंगे। हम इसमें 2 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और 2 हम इसके अंदर साबुत खड़ी लाल मिर्च डालेंगे, जिसको हम इस तरीके से पूरा का पूरा ही डालेंगे, ये हटा लेंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे अजवाइन, और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे मोटी वाली सौंफ। मोटी वाली सौंफ डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। और 1 टेबलस्पून तक हम भर के इसके अंदर डालेंगे साबुत जीरा, 1 बड़ा चम्मच, अगर आपका छोटा है तो आप 2 चम्मच ले लेना। और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे सरसों, साबुत वाली, काली वाली या पीली वाली जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साबुत भी डालनी है। और अब इसमें हम डालेंगे 10 से 15 मेथी के दाने। अब सारी चीज़ों को हमें धीमी धीमी आंच पर 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है, बस काला बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन अच्छे से लाल कर लेना है। अगर इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर होगा तो आप इस रेसिपी को स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो मसाले को बिना भूने नहीं इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी और मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए। जब हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार का इस्तेमाल करेंगे। और ख्याल ये रखना है कि जार में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, जार को अच्छे से सुखा लेना है, फिर उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है। अब बिना पानी डाले बिना नमक डाले हम मिक्सी को 1 से 2 बार चलाकर रोक देंगे और इसे दरदरा पीसेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से पीस लिया, चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरह से हमने इसको दरदरा रखा है। ये देखिए इस तरीके से दरदरा होना चाहिए मसाला, देख लीजिए करीब से। अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, 1 महीने तक गारंटी ले लीजिए। अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालना। तो यहाँ पे तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है जब तक कि इसमें से धुआं नहीं निकल जाता है, क्योंकि सरसों के तेल में होता है हल्का सा कड़वापन, इसको गर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप गर्म नहीं करेंगे, कच्चे तेल में बना देंगे तो रेसिपी टिकेगी नहीं, इस बात की आपको हम गारंटी दे रहे हैं। तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे चुटकी भर, और अब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा जला जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून तक हींग डालेंगे। और इसको हम 10 से 15 सेकंड चटकाने के बाद ये जो हमने आम को इस तरीके से ग्रेट करके लिया ये इसके अंदर डाल देंगे।
और यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो नमक हमें अभी नहीं डालना है, पहले हम इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो। और ये लच्छे बिल्कुल पतले पतले से हैं तो इनको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको भून लिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे हमें नमक थोड़ा सा ज़रा ही डालना है क्योंकि बाद में नमक कम ही हो जाता है आम के कट्ठेपन की वजह से। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक डाला है और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे, क्या आपको बताते हैं, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और हल्दी को डालने के बाद 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। अगर आपकी हल्दी कच्ची होगी तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और इसमें हम 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और इसको डालने के बाद 10 से 15 सेकंड वापस से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद मिक्स कर देंगे। अब ये जो हमने मसाला बना के रखा था ये हम सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे, बिल्कुल भी बचाएंगे नहीं क्योंकि हमने इसी के हिसाब से बनाया था। और इसको डालने के बाद वापस से हम इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिलके भुन जाए। अब इसमें 1/2 टीस्पून तक हम कसूरी मेथी को इस तरह से हल्का सा तावे में भून के डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो चाट मसाला डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, ऑयल बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इसे स्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के किचन के किसी भी कोने में रख देंगे तो पूरे महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ। बस आपको ख्याल ये रखना है कि जिस डिब्बे में आप इसे स्टोर कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगा होना चाहिए। और आप इसे दाल चावल के साथ या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आप सब्जी बनाना भूल जाए आप इसे पराठे के साथ पूड़ी के साथ बच्चों को सर्व कर देंगे तो बच्चों को खा के मजा आ जाएगा। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना, आपको मजा आ जाएगा खा के। इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल अचार से अलग है, ना ही ये चटनी है ना ही अचार है, इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है मसालों का। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी की तैयारी करते हैं। तो ये जो बचा हुआ आम था इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए फटाफट सारे कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रखना है, इस तरीके से रखना है, हल्का सा मोटा मोटा कट करेंगे जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा रेसिपी में। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से कट कर लिया, चलते बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, यहाँ पे एक पैन लिया है। अब इसमें ना घी डालेंगे ना बटर डालेंगे, हम इसमें डालेंगे चावल जो कच्चे चावल होते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चावल को भिगोने का भी झंझट नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने छोटा वाला चावल लिया, आप चाहें तो बासमती भी ले सकते हैं। वेट नहीं है हमारा चावल, कम से कम 50 ग्राम है। नाप एक कटोरी आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब चावल को हम धीमी धीमी आँच पर अच्छे से भून लेंगे। चावल को भूनते समय आपको ख्याल ये रखना है कि इसको कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और दूसरी बात, जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि चावल बिल्कुल भी जले ना, अगर चावल जल जाएगा तो अच्छा लुक नहीं आएगा। तो हमें इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक भूनना है ताकि ये चावल हल्के हल्के से फूल जाए। यहाँ पर देखिए चावल ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और कंटिन्यू चलाते हुए हमने इसको 1 मिनट तक भून लिया है। 1 मिनट और भूनेंगे, टोटल इसको 2 मिनट भूनना है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, चावल हमारा बिल्कुल अच्छे से बन गया। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए चावल बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए, जब तक ठंडे ना हो आपको नहीं इस्तेमाल करना है। अब हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे जिसमें हमने मसाला बनाया था, उसी के अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। और बिना पानी डाले बिना कुछ डाले हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड चावल को मैंने पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह से एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम इस तरह से छन्ना रखेंगे। आप चाहे तो कपड़ा भी लगा सकते हैं अगर आपके पास छन्ना ना हो। और उसके अंदर हम इस तरीके से पिसे हुए चावल के पाउडर को डाल देंगे और इसको हम छान के इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको भून के लेना है, भूनने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बहुत सारे लोगों के पास चावल का आटा नहीं होता है तो इस तरीके से मैंने बता दिया है, चावल तो सबके घर में आसानी से उपलब्ध होता है। तो ये देखिए इस तरीके से छान लेंगे, जो मोटे मोटे चावल के दाने बचेंगे उसको हमें नहीं इस्तेमाल करना है, इसको हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें इसका पाउडर मिल गया अच्छे से। अब चलते हैं बनाने की तरफ।
तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसकी जगह पे बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत लेना इस रेसिपी के लिए। अब घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जब हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो जो हमारा आम था जो हमने इस तरीके से कट करके रखा है ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए 10 से 15 सेकंड अच्छे से भूनेंगे। तो घी में भूनने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा और रेसिपी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरीके से भून लिया। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, क्या क्या आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें 1/2 टीस्पून तक डाला है हल्दी। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच भरकर चाट मसाला और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे मोटी वाली सौंफ और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे जीरा जिसको हमने ऑयल में नहीं डाला है, इस तरीके से ऊपर से डालना है। और अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी जिसको मगरेल भी बोलते हैं, अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमें इसको डाल के मसालों को भी अच्छे से भून लेना है। ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। और अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच तक जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला है तो पहले हम इसको अच्छे से भूनने के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। ये गया हमारा 1/2 टीस्पून तक नमक और नमक डालने के बाद हमें इसे वापस से अच्छे से भून लेना है। और अब हमने जो चावल का पाउडर बना के रखा था वो हमें इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको डालने के बाद हम वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे 10 से 15 सेकंड 2 फ्लेम पर, ताकि सारी चीज़ें आपस में आप अच्छे से मिल जाए। ये देखिए अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 गिलास पानी लिया है छोटी वाली, अगर आपकी बड़ी है तो आपको 3 गिलास लेना है। और इसको लेने के बाद इस तरह से डाल दिया है और अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब इसमें हम डालेंगे शुगर जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। यहाँ पे 4 छोटा चम्मच शुगर ऐड करना है जिससे सारे फ्लेवर को बिल्कुल बैलेंस कर देगा। और इसमें हम थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अब इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको हमें धीमी धीमी आँच पर कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आने के साथ साथ पचाने में मदद मिलेगी। और चलिए अब इसको हम 2 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर कवर करके पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड मैंने धीमी धीमी आंच पर इसे 3 से 4 मिनट पका लिया। चलिए अब इसे खोल के देखते हैं इसके हाल। तो ये देखिए इस तरीके से कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जो हमने डाला था बिल्कुल लिक्विड था, लेकिन ये पकने के बाद इस तरीके से इसका टेक्सचर हो जाता है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे जो हम 1 से 2 चुटकी डालेंगे, ज़रा नहीं डालेंगे। और इसको डालने के बाद मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि इसके अंदर धनिया वगैरह नहीं डालेगा, क्योंकि हम इसे स्टोर करना चाहते हैं। अगर आप इसे स्टोर नहीं करना चाहते तो आप इसमें धनिया और पुदीना डाल सकते हैं। इसका टेक्स्चर देखिए इस तरीके से हो जाता है और ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा और पूरे महीने ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप कहीं भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो वापस से हम इसको 1 मिनट और कवर करके पका लेंगे ताकि जो हमने मसाला डाला है वो भी अच्छे से इसके अंदर समा जाए इसका फ्लेवर। और 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है, ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है। इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए बिल्कुल क्रीमी सा। देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी आम की ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसका जो टेस्ट है वो आप एक बार चख लेंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है, ऐसा टेस्ट आपने पहले कभी नहीं चखा होगा। इसमें हल्का सा खट्टापन है और हल्का सा मीठापन है और थोड़ा सा चटपटापन है और थोड़ा सा तीखापन है, तो सारे टेस्ट मिलाकर एक बहुत ही अलग सा टेस्ट बनता है। और इस तरीके से जो आम के छोटे छोटे से पीस आते हैं आपको खाते समय, उसके आपका जो मज़ा है दोगुना हो जाता है इसे खाने का। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप इसे ठंडा और गर्म दोनों तरीके से खा सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में लगा के ठंडा खाइए, चाहे तो मेरी तरह गर्मा गर्म खाइए। दोनों ही तरीके से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छे से निकल कर आता है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ इंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी और आप कौन सी बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोनों ही रेसिपियाँ मेरे लिए बेस्ट हैं, आप भी ट्राई करिए, आपको भी मज़ा आएगा खा के।
तो फ्रेंड कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।